प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सवाई माधोपुर पहुंची, जहां रणथंभौर रोड स्थित होटल मीरा महल में जोधपुर के प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर जी महाराज का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उनसे मंत्रणा की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ से धौलपुर जा रही थी, तभी सवाई माधोपुर में रामकथा कर रहे मुरलीधर जी महाराज की जानकारी मिलने पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए राजे कुछ समय सवाई माधोपुर में ठहरी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वसुंधरा राजे का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। निमगा थाना में युवक को किडनैप कर 25 किलोमीटर दूर ले जाकर मारपीट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों को उसी जगह लेकर पहुंची जिस घर से युवक को बदमाशों ने किडनैप किया था। उसी घर के सामने से पुलिस ने चारों बदमाशों का जुलूस निकाला तो उसी घर के सामने बदमाश गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस ने गांव के मोहल्ले से लेकर मुख्य मार्गों तक जुलूस निकाला। चारों बदमाश रास्ते में कान पकड़कर चल रहे थे। ये दिन में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिनकी तरफ से दर्ज हुआ है उनके रिलेटिव है। तो पुलिस ने जो भी हमारी तरफ से तकनीकी साक्ष्य मिले तो हमने जुटाए साक्ष्य, उसके आधार पर हमने मुजरिमों को आइडेंटिफाई किया। फिर हमारी टीम ने दो दिन कड़ी मेहनत की, उसके बाद हमने इन चार मुजरिमों को पकड़ा। कल हमने इनको कल शाम को गिरफ्तार किया। आज ये घटनास्थल नजदीक के लिए अपहरण कहाँ से हुआ, किस प्रकार किया, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए, इसकी सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां भाखर क्षेत्र में जमकर बरसे मेघ उफान पर यहां पर नदी नाले आ चुके हैं। कावरा फली जाने वाली रपट पर तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया। उफनते नाले से बाइक और युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। भाकर क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिरोही से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नदी नाले उफान पर है। तेज बहाव में एक बाइक सवार यहां पर बहा, उफनते नाले से बाइक और युवक को दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की मंदिर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड 36 स्थित गोगा मीढ़ी और जीण माता मंदिर में महिला फेरी लगाने गई थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतका पूनम का पति मजदूरी करता है और इनके दो बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। रहने वाली पूनम कल शाम को 7 बजे मंदिर में गई थी, इसको अचानक चक्कर आने से गिर गई और बेहोश हो गई। हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसकी पुलिस रिपोर्ट के लास्ट पोस्टमार्टम। डीडवाना में SC ST वंचित वर्ग की ओर से अंबेडकर भवन में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण के फैसले का आभार जताते हुए आरक्षण से वंचित जातियों का वर्गीकरण करके लाभ दिलवाने के लिए प्रदेश में उपवर्गीकरण लागू करवाने की मांग की। सभा के बाद अंबेडकर भवन से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। डीडवाना कुचामन जिले के समस्त वंचित समाज के लोग आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम और राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपने हैं कि इस आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को राजस्थान में जल्द से जल्द लागू किया जाए, यही हमारी मांग है, यही उद्देश्य से रैली निकाली। जी, ये हमारी मांग है। जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आरक्षण के संबंध में कि आरक्षण में से आरक्षण दिया जाए जो वंचित परिवार है। हमारी 72 प्रजातियाँ हैं SC ST के अंदर में, जिनमें केवल 2-3 जातियों को ही लाभ मिला, बाकी सभी अन्य पिछड़ी हुई है और उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उस फैसले के साथ हैं और हमारी मांग आज यही है माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा कि आप हमारी इस मांग को राजस्थान सरकार तक और केंद्र सरकार तक राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दे रहे हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए और इस फैसले को अविलंब तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए वंचित परिवारों को इसका लाभ दिलाए, यही हमारी मांग है, यही उद्देश्य है हमारा। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का
जो फैसला आया है हम उनका स्वागत करते हैं और फैसला दिया है आरक्षण में वर्गीकरण और कर्मी लागू करो। तो हमारी रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आरक्षण में वर्गीकरण और कर्मिलियर को जल्द से जल्द राजस्थान में लागू किया जाए। इस मांग को लेकर हम आज श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री का। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां भगत सिंह चौक पर एक युवक ने दिन दहाड़े ऑटो चालक पर हमला कर घायल कर दिया। ऑटो चालक के हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। सवाईमाधोपुर जिले में जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमालाओं से घिरे रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी त्रिनेत्र गणेश जी का 3 दिवसीय लखी मेला पूरे हर्षोल्लास के साथ भरेगा। 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले लखी मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार बारिश अधिक होने से रणथंभौर के सभी जलाशय लबालब भरे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की देखते हुए जलाशयों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही मेला परिसर में सिविल डिफेंस और SDRF की टीम भी तैनात रहेगी। वहीं भामाशाहों की ओर से जगह जगह निःशुल्क भंडारे भी लगाए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में है 3 दिवस का, 6, 7, 8 को काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे, करीबन 5-6 लाख की भीड़ का एस्टिमेट है। आज हमने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है, मैंने कलेक्टर साहब ने और फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ हम गए थे वहाँ पे। यदि हम जाप्ते की बात करें तो लगभग 1200 के लगभग हमारा जो हर साल डिप्लॉयमेंट रहता है वो इस बार भी रहेगा। जिले की पुलिस है, RSC है और रेंज का, और उसके अलावा भी बाहर के जिलों का जाप्ता रहेगा। सारे जो अधिकारी हैं जाप्ता वो कल यहाँ पहुँच जाएंगे और हमारा परसों से 6 तारीख से हमारा फुल डिप्लॉयमेंट वहाँ पे रहेगा। अपने त्रिनेत्र गणेश जी को लेकर जो मान्यता है, जैसा हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि ये स्वयं प्रकट मूर्ति है, और उस टाइम 1299 में जब खिलजी और राजा हमीर का जब युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं उसी दौरान ये गणेश जी का जो है स्वयं प्रकट रूप प्रकट हुआ। लेकिन कहते हैं आज जैसा बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई किसी ने चक्की चला दी तो वो सूंढ सूंढ के ही दर्शन रह गए। उसके बाद रिद्धि और सिद्धि, दो उनकी पत्नियाँ शुभ और लाभ, दो पुत्र और पूरा जो है इनकी सवारी जो है मूषक, पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। और इनका तीसरा नेत्र जो है बुद्धि का नेत्र है, और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ये मंदिर अपना है जो स्वयं प्रकट है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी पूर्ण होती है जी। यहाँ पे स्वयं प्रकट है, अपना प्रकट हुई मूर्ति है जी। 3 नेत्र हैं इनके, और रणथंभौर इनका इसी तरह स्थान है जैसे कैलाश पर्वत भगवान शिव का है। गणेश जी यहीं से जहाँ भी जाते हैं निमंत्रण यहीं आता है। दौसा के बिजूपाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के नौरंगवाड़ा गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरे जर्जर हालत में हैं, जिनमें बरसात के चलते दरारें आ गई हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल के छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गाँव के विद्यालय के सारे जर्जर भवन सारे जर्जर हैं, कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये टूटे पड़े हैं। बच्चों को यहाँ पे बैठने उठने में समस्या रहती है, इसमें से पत्थर गिरते रहते हैं, तो यहाँ कोई ना तो कोई ये रिक्शा स्टैंड के लिए जगह देने और यातायात पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ई रिक्शा चालकों ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रदर्शन किया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन ने ऑटो स्टैंड बना रखा है और ई रिक्शा के लिए कोई स्टैंड नहीं है, और वे कहीं भी अपने ई रिक्शा खड़े करते हैं तो यातायात पुलिस चालान काटती है। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन ई रिक्शा के लिए स्टैंड बनाए और यातायात पुलिस ई रिक्शा चालकों को परेशान करना बंद करे, अन्यथा ई रिक्शा चालक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। बस स्टैंड के पास मैं खुद और 2 ई रिक्शे वाले थे मेरे साथ, और एक मीना जी है कोई ट्रैफिक में, वो आया, वो मेरे को बोलता है कि यहाँ से आप ई रिक्शा हटाओ। मैं कह साहब क्यों हटाए, पीछे जो डीजल वाले खड़े हैं उनको हटवाओ। वो कहते हैं डीजल वाला टेम्पू, वो कहते हैं मीना जी ये बोलते हैं कि डीजल वालों को जगह दी अफसर ने,
मैं उनसे ये पूछा कौन सा अफसर है जो अफसर को मेरे को भी मिलवाओ, जो इनको जगह दिया हमारे को क्यों नहीं जगह दिया। वो मेरे को धमकाता था और मेरे को कहता था तेरे गाड़ी अंदर अंदर थाने में खड़ा के जंगाल लगवा दूंगा। मैं ये चको चाबी जाओ ले जाओ आप, ठीक है। कहता तेरे कागज दिखा, मैं उसको कागज दिखाए, वो कहता तेरे कागज पूरे नहीं है। फिर भी वो मेरे को ये कह रहा है कागज पूरे नहीं है आपके, मैं कागज दिखा रहा हूँ। फिर कहते हैं वो डीजल वाले को तो जगह है, डीजल वाले तो यहाँ करेंगे, आप कर नहीं सकते।